आज उधर महाविकास अघाड़ी के वरिष्ठ नेता हैं, जहां प्रधानमंत्री मेरा भारत मेरा परिवार कहते हैं, तो उन्होंने भी इस पर कुछ कहा है, कुछ टिप्पणी की है। जी, उन्होंने मैं कहा तो कि आज वो दिन परिवार भर कहते हैं पर मानते नहीं है। क्या क्या परिवार कहते तो हैं पर मानते नहीं। ऐसा किसने कहा? उद्धव जी ने अरे छोड़ दीजिए, उद्धव जी सुबह को अलग कहते हैं, रात को अलग कहते हैं, उद्धव जी खुद को पता नहीं होता वो क्या कहते हैं। और सीधा हिसाब है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, उद्धव जी का एम क्या है? आदित्य को मुख्यमंत्री बनाना, यही एम है? मोदी जी का एम है उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का? मोदी जी किसी को भी बनाएंगे तो देश के किसी व्यक्ति को बनाएंगे, किसी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो उनका तो परिवार कोई पॉलिटिक्स में है नहीं, खुद का परिवार भी नहीं है। तो इसलिए ये तो लोगों को पता है किसका परिवार देश है, कौन देश को परिवार मानकर राजनीति करता है और कौन अपने परिवार के लिए राजनीति करता है। अगर परिवार के लिए राजनीति उद्धव जी नहीं करते तो हमारे साथ होते, ये हालत नहीं होती उनकी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आदमी जब कोई बात करता है ना तो उसकी बात में दम होना चाहिए, उसमें कन्विक्शन होना चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि ये आदमी जो कह रहा है वो सही है। आप खुद ही परिवारवादी राजनीति करते हो, आपको क्या अधिकार है? नहीं कर सकते आप।